महाराष्ट्र, यहाँ मेरा दिल और घर दोनों है। पर ये जगह थोड़ी खास है क्योंकि यहाँ के फूल फ्रांस, इटली, नेदरलैंड सबको पीछे छोड़ते हैं। मैं आई हूँ एट कास फ्लैटो ऑन दिस स्पेशल एपिसोड ऑफ आई लव माई महाराष्ट्र। कास प्लाटो मुंबई से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है, मतलब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं पहुंचते हुए। पर ये सतारा सिटी से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ज्यादातर लोग जब भी कास की खूबसूरती देखने आते हैं तो सतारा में ही रहते हैं। सतारा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द 7 फोर्ट्स, 7 तारा, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज द सोल्जर्स सिटी। यहाँ का खाना, स्पेशली कांदी पेड़ा, इज क्वाइट वर्ल्ड फेमस। सतारा के लोग, द स्लो पेस लाइफ, बहुत सारी ग्रीनरी इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। ड्राइव के बाद आई एम फाइनली इन सतारा। सतारा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 16th सेंचुरी। और खास बात ये है कि ये कास प्लेटो से सिर्फ 40-45 मिनट्स दूर है। स्पेशली द होटल वेयर आई एम स्टेइंग, व्हिच इज फर्न रेसिडेंसी सतारा, इट इज लिटरली ऑन द हाईवे, इजिली एक्सेसिबल, एंड एज यू कैन सी द रूम्स आर लग्जोरियस, एंड लुक एट दैट, द हॉस्पिटैलिटी सीम्स क्वाइट ग्रैंड। Morning from Satara. Well, finally वो दिन आ गया है when I'm going to be visiting the gorgeous valley of flowers of Maharashtra, Kas Plateau. Satara से about 1 घंटे की drive है, पर आज हम से वही जगह explore नहीं करेंगे, उसके आसपास की कई सारी खूबसूरत जगहें explore करेंगे, and I'm sure मेरी journey भी उतनी ही beautiful रहेगी as much as the destination. And I can already see a gorgeous pathway right in front of me. तो आज सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ की एक खूबसूरत जगह से जिसका नाम है बमनोली विलेज, जो सतारा से 1 घंटे दूर है और कास प्लेटो से 5 किलोमीटर दूर। द ड्राइव टू दिस विलेज इज सिंपली मैजेस्टिक ड्यूरिंग द मॉनसूनस, विद रोड्स फुल ऑफ फॉग अमिडस्ट द डेंस फॉरेस्ट एंड शाइनिंग रोड्स दैट विल मेक दिस ड्राइव सो मेमोरेबल। मेरा सबसे पहला स्पॉट द बमनोली विलेज, व्हिच इज द सीनिक विलेज नियर कास प्लेटो। बहुत ही खूबसूरत है, इट्स सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ शिव सागर लेक ऑन कोयना डैम। बोटिंग यहाँ की सबसे मेन एक्टिविटी है, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द लोकल्स। दे टेक यू टू द नियर बाय अट्रैक्शंस लाइक टपोला, व्हिच इज नोन टू बी द मिनी कश्मीर ऑफ महाराष्ट्र। द बोट कैन ऑल्सो टेक यू टू विसोटा फोर्ट, व्हिच इज द ओनली फोर्ट लोकेटेड इन द फॉरेस्ट, एंड बोटिंग इज द ओनली वे टू गेट देयर। देयर इज ऑल्सो नागेश्वर टेम्पल। तो ये ब्यूटिफुल व्यू देखकर आई एम क्वाइट टेम्पटेड टू टेक अ बोट राइड। So come on, let's begin exploring the beauty of Maharashtra. Boat ride ka minimum time hai 45 minutes, which costs approximately 650 rupees for a group of 4 to 6 people. Yahan ka nazara jannat se kuch kam nahi. Khoobsurat badal, lehriya jungle, Mumbai ki bhagdaur se dur aur bahut sara sukoon. It's reminding me of the sets of the film King Kong. Can you imagine a place like this exists in Maharashtra? कास प्लेटो के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड हिल्स ऑन ऑल साइड्स। कास लेक इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक प्लेसेस अराउंड हियर, और कहते हैं कि शहर का वाटर सप्लाई भी यहीं से आता है। ये जगह लेक साइड पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंटेड बाय टूरिस्ट एंड लोकल्स ऑफ कास विलेज, जो लेक से सिर्फ 10 मिनट दूर है। द विलेज हैज अ वेरी काम, लेजी एंड स्लो फील टू इट। यहाँ के गाँव वाले खेती बाड़ी से अपना घर चलाते हैं, बट वॉट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन इज एज यूजल their food.
अब इतना घूमने के बाद बड़े जोरों की भूख लगी है, सो आई हैव कम टू दिस प्लेस कॉल्ड हेरिटेज वाड़ी टू ट्राई आउट देयर ऑथेंटिक चिकन थाली इन अ ट्रू महाराष्ट्रियन स्टाइल। मेरी चिकन थाली तैयार है, इट्स गॉट सुक्का चिकन, एग करी, इट्स गॉट मसाला विद इट और अदर करी टू गो विद द सुक्का चिकन, देयर इज सोल करी एंड ऑल्सो अ डिलिशियस सूप। वैसे तो आप इसके साथ भाकरी या चपाती खा सकते हैं, पर आज हम नान के साथ खा रहे हैं ये। दिस होल डिश इज लुकिंग सो टेम्पटिंग, आई एम जस्ट गोना हैव अ बाइट एंड टेल यू हाउ इट टेस्ट। कांट गेट बेटर देन दिस। Finally at the Khas Plateau, very excited to see the gorgeous Valley of Flowers. यहाँ आने की सबसे important बात यह है कि आप timing को हमेशा ध्यान में रखें, because पूरे साल में सिर्फ ऐसे 2 से 3 ही हफ्ते होते हैं when the flowers here completely bloom. It's nice, misty and foggy. मुझे तो थोड़ी ठंड लग रही है, I'm gonna wrap this shawl around me and explore this Valley of Flowers. See you. Khas Plateau is one of the world's natural heritage site. आप यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते. As per the new rules, you have to buy tickets online and book your slot in advance. Price of the ticket is only ₹100, but for every slot, there's a limit of only 1,000 people. This usually opens in the mid of September till the mid of October. This year, due to the heavy rainfall, the flowers haven't been able to bloom as much as they do every year. At least मेरी visit में, जो थी mid of September में. But these pictures should tell you how it actually looks like when it blooms completely by mid of October. Khas Plateau ke paas bhi kuch hidden gems hai jiske bare mein bahut logo ko nahi pata. Now I'm going to the tallest waterfall in India called Bhambavli Vajrai Waterfall, jise Vajrai Waterfall bhi kehte hain. Maharashtra ki aur bhi khoobsurat jagahon ke bare mein aap jaan sakte hain unki website par, and also remember to follow them on social media. You can reach the waterfall by walking the road from Khas village or even take your vehicle to the point, jiske baad it's a 50-minute walk. And now, as my last stop, I've come to Vajrai Waterfall, which is a beautiful three-stepped waterfall, one of the tallest waterfalls of India. Its height is 560 meters. जो दूर से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, I'm sure पास जाकर और भी अच्छा लगेगा. But cars can't go there. You actually have to trek up to that point, which I'm going to do after wrapping this video. I hope you've enjoyed exploring Khas Plateau with me. Let me tell you, it's not just about the Valley of Flowers. Khas में और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं to explore. I hope you enjoyed watching this video. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off.